अविनाश चंद्र मान जी ने कन्वर्जन को लेकर प्रश्न किया है, क्या कन्वर्जन छल बल धन से हो रहा है, क्या इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनना चाहिए, अगर सभी मत पंथ समान हैं तो संघ कन्वर्जन का विरोध क्यों करता है। एक गुलाबराव महाराज हो गए, उनको भी यही आखिरी वाला प्रश्न पूछा गया था, उन्होंने जो उत्तर दिया वही मैं आपको देता हूं। अगर सभी मतपंथ समान है तो कन्वर्जन का विरोध क्यों, ऐसा पूछा गया तो उन्होंने कहा अगर सभी मतपंथ समान है तो कन्वर्जन की आवश्यकता क्यों। क्यों आप इधर से उधर ले जाने का प्रयास कर रहे हो, सभी मतपंथ समान है ना, तो जो जिसमें है उसमें वो पूर्णता प्राप्त करेगा, तपस्या करेगा, तो आप उसको फिर भी इधर ला रहे हो तो आपका उद्देश्य उसको अध्यात्म सिखाना नहीं है। भगवान मार्केट में बेचा नहीं जाता, भगवान जबरदस्ती स्वीकार नहीं किया जाता, लेकिन छल बल दल से होता है तो वो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसका उद्देश्य मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति नहीं है, दूसरे कुछ उद्देश्य छपे हैं। आप सब विद्वान लोग हैं, मैं उसका वर्णन क्यों करूं, आप देश विदेश के इतिहास पढ़ लीजिए, उसमें कन्वर्जन करने वालों के क्या रोल रहे हैं, इसका डाटा निकालिए, सत्य डाटा, संघ वालों ने न लिखा हुआ डाटा, संघ के विरोधी विचार रखने वालों ने भी इसके बारे में जो लिखा है वो देख लीजिए, तो आपको पता चलेगा कि इसका विरोध क्यों करना चाहिए, संघ वाले क्यों करें, सब पूरे समाज ने ऐसे कन्वर्जन का विरोध करना चाहिए। ये मेरा मामला है, मैं किसकी पूजा करूं, मेरे मन में आता है एक नारायण वामन टिलक थे, चित्पावन ब्राह्मण थे, अच्छा परिवार था, उनके मन में आ गया कि यीशु का रास्ता ठीक है, और उन्होंने अपने आप को ईसाई बना, वो पास्टर बने, उनके पत्नी ने अपना धर्म नहीं छोड़ा, वो बने रहे, और संघ वालों सहित सब लोग महाराष्ट्र में उनको बड़े आदर की दृष्टि से देखते हैं। उन्होंने कन्वर्जन किया इसकी बात कोई नहीं करता, उन्होंने देशभक्ति की उत्तम कविताएं हमको दी और एक सात्विक जीवन का आदर्श अपने जीवन में समाज में रखा, क्योंकि वो छल बल से कन्वर्ट नहीं हुए थे, उनके मन में परिवर्तन आया, इसको तो मान्यता है हिंदुओं में, लेकिन ऐसा नहीं होता है। चर्च में आने के लिए इतने रुपए देंगे, ऐसा जब होता है उसका विरोध करना ही चाहिए, अध्यात्म ये बेचने की चीज नहीं है।